तो अभी यहाँ पे रूल नंबर वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टू इम्पोर्टेंट रूल्स। तो रूल नंबर वन क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर दी, यानी ए और बी को ऐड किया, और आपको क्या मिला, आपको मिला सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यानी ये अगर इक्वेशन ट्रू है, यानी ये सही है कि हमने ए और बी को ऐड किया और हमें सी मिला, तो या सब्ट्रैक्ट किया चलो माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए का डायमेंशनल इक्वेशन होगा, यही डायमेंशनल इक्वेशन किसका होना चाहिए, बी का, यही किसका होना चाहिए, सी का। ये हमने कब किया, जब हम लोग पढ़ रहे थे यूज नंबर वन या एप्लीकेशन पहला वाला, यानी बी इक्वल टू यू प्लस ए, हमने एग्जाम्पल लिया था, तो जो बी का डायमेंशन आया था एन वन डी माइनस वन, इसका भी वही आया था, इसका भी क्या आया था एल वन डी माइनस वन, इसका भी क्या आया था डी माइनस वन। यानी रूल नंबर वन ये कहता है कि टू क्वांटिटीज या टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे आर सिमिलर, ओनली इफ दे हैव सेम डाइमेंशंस, यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी एडेड। लेट अस से 5 न्यूटन प्लस 5 kg क्या मिलेगा, अरे मिलेगा ना 5 + 5 = 10 और न्यूटन प्लस केजी न्यूटन केजी। तो आप सब हंस रहे, क्यों हंस रहे, क्योंकि आप लोग मजाक कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ अगर ऐसा होता तो हम लोग कर लेते ना, 100 rupees + 1 newton, हाँ 100 rupees का नोट होता उस पर आप फोर्स लगाते हैं 101 हो जाता, फिर फोर्स लगाते हैं उस पर 102 हो जाता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता, अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट डू इट लाइक दिस। यानी टू फिजिकल क्वांटिटीज इफ दे डोंट हैव सेम डायमेंशन, जैसे इसका यहाँ पे न्यूटन यानी फोर्स, उसका डायमेंशन इक्वेशन क्या है m1 l1 t - 2, और यहाँ पे मास है kg, उसका क्या है m^1, ये इसको आप ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऐड देम, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देम, यू अंडरस्टैंड। जैसे 5 kg - 3 kg ये होगा 2 kg, ये बराबर है, ये क्या है बराबर, यानी ये सही है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं क्योंकि ये भी और ये भी, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है या सिमिलर है, या इनका डायमेंशनल इक्वेशन है वो सेम है, ठीक है। तो रूल नंबर वन क्या कहता है, ये कहता है कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फिजिकल क्वांटिटीज ओनली टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, और उससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसे मैंने लिखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तुमसे क्या मिलेगा, मुझे मास मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मोमेंटम ही मिलेगा, यानी चेंज इन मोमेंटम जो है वो फाइनल, उसमें मोमेंटम ही आएगा, राइट करेक्ट। तो मोमेंटम का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, तो मैं लिखूंगा 100 kg m/s माइनस 50 kg m/s, तो मुझे क्या मिलेगा 50 kg m/s, मतलब टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, and after that they will give a similar physical quantity as a result, समझ में आया। तो अब आपके लिए एक सवाल है, so this is rule number one, सब समझ में आया। तो सवाल ये है देखो, तो प्रेशर पी माइनस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी वॉल्यूम माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी, ओके एक सवाल दे दूंगा मैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो पी है, व्हाट इज दिस पी, दिस इज प्रेशर, दिस वी इज वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी, वॉल्यूम, दिस वी इज अगेन वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, एंड दिस पी इज टेम्परेचर। सवाल ये है कि फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए एंड बी, दिस इज द क्वेश्चन, ओके तो ट्राई करिए सब लोग। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पहला टर्म है, टर्म वो ये वाला है, सही है, फर्स्ट टर्म। और इस फर्स्ट टर्म में आप देखो दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड है, क्या है वो, तो वो है अरे प्रेशर माइनस ए बाई बी स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन में ये दो चीजें क्या है, सब्ट्रैक्ट होके एक टर्म बन गए, लेकिन
कंसेप्ट ये है कि ये दो चीजें सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब इसका डायमेंशनल इक्वेशन इसके डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर होगा। ये रूल है। रूल क्या है कि टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे आर सिमिलर। टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। यू अंडरस्टैंड? तो यहां से देखो आप, अब तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब क्या बच गया? तो यहां से प्रेशर का आपको पता है m1 l minus 1 p minus 2 is equal to dimension of a, b मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का स्क्वायर मीटर रेस टू 6, तो ये हो गया l रेस टू 6। समझ में आपको? तो यहां से a तुरंत मिल गया। देखो इट्स सो इजी, m1 ये मल्टीप्लाई होगा l रेस टू 6 वहां पे, तो माइनस 1 और प्लस 6 कितना होगा प्लस 5, तो m1 l5 t माइनस 2। ये पॉइंट समझ में आया? ये हो गया a, राइट। वॉल्यूम जो है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो स्क्वायर का क्या होगा? मीटर रेस टू 6, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? l रेस टू 6। वो हमने यूज किया। समझ में आपको? अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट टर्म के बारे में। अब आप देखो सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में क्या है? v माइनस बी है। अभी v माइनस बी ये दोनों कब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? जब ये दोनों सेम नहीं हो, डायमेंशनली सेम हो, यानी या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो। मतलब v का डायमेंशन इज मस्ट बी इक्वल टू v का डायमेंशन। तो ये तो आ गया। अभी आपको बताइए v का क्या होता है? l रेस टू 3, तो v का भी मिल गया। समझ में आपको? आप लोग क्या कर रहे थे? आप सोच रहे थे सर ये r कैसे निकाले? यार निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ में आपको? तो ये रूल नंबर 1 हो गया।